आज का हमारा टॉपिक है दूध के प्रकार या टाइप ऑफ मिल्क। इससे पहले आपने मिल्क का जो है कंपोजिशन और न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क पढ़ा था। अब है आपका टाइप ऑफ मिल्क, मीन्स जो दूध है वो कितने प्रकार के होते हैं। हमें आप सबको इससे पता होगा कि दूध जो है आपने देखा होगा अपने घर में सिर्फ लिक्विड फॉर्म में रहता ही है, लेकिन वो कितने प्रकार का होता है दूध उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण आहार होने के कारण हम दूध का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करते हैं। दूध के पोषक तत्वों के संगठन एवं अनुपात के आधार पर दूध को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। वह निम्न प्रकार है। फर्स्ट है आपका संपूर्ण मिल्क, या उसे होल मिल्क कह सकते हैं। दूध की प्राकृतिक अवस्था माता के स्तन से प्राप्त दूध को हम संपूर्ण दूध कहा जाता है। मीन्स जो ऐसा माना जाता है कि जो माता के स्तन से जो दूध निकलता है उसे हम संपूर्ण दूध कहते हैं, क्योंकि उसमें जो एक शिशु के लिए संपूर्ण आहार उस दूध में प्रेजेंट रहता है। जो पौष्टिक तत्व हैं वो विद्यमान रहते हैं जो एक शिशु को चाहिए रहते हैं, और ये प्राकृतिक होता है। सेकेंड है आपका वसा रहित दूध, जिसे हम स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं। वसा रहित दूध में क्या होता है, जो फैट होता है जिससे हम मलाई आती है हमारे दूध के ऊपर, उसे क्या कर लिया जाता है, उसे मशीनों के द्वारा क्या कर लेते हैं, दूध से अलग कर लेते हैं। पूर्ण अथवा आंशिक रूप से दूध में वसा निकाल लेने से शेष बचा दूध वसा रहित दूध कहलाता है। और उसके बाद जो दूध बचता है फैट निकाल लेने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, वसा रहित दूध या स्किम्ड मिल्क कहते हैं। वसा रहित दूध ऊर्जादायक नहीं होता है। अधिक वजन वाले तथा वृद्ध व्यक्तियों को इस प्रकार का दूध दिया जाना चाहिए। जो ये दूध होता है इसमें बिल्कुल ताकत नहीं होती, क्योंकि हम फैट निकाल लेंगे उसके साथ उसमें विटामिन मिनरल्स जो हैं सभी निकल जाते हैं। यह दूध किन के लिए उपयोगी होता है, यह दूध सिर्फ वृद्ध व्यक्तियों के लिए होता है। जो लोग ज़्यादा हैवी दूध को नहीं पचा सकते हैं यह दूध उनके लिए होता है, या जो छोटे शिशु होते हैं उनके लिए होता है। जो माता के दूध के बाद एकदम से अगर हम उन्हें दूध देते हैं तो वो जो ज़्यादा हैवी मिल्क को नहीं पचा सकते, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, इसलिए स्किम्ड मिल्क उनको दिया जाता है। थर्ड है आपका खमीरीकृत दूध या फर्मेंटेड मिल्क। बैक्टीरिया द्वारा दूध में खमीर आ जाता है, इस अवस्था वाले दूध को क्या कहते हैं, हम दही या खमीरीकृत दूध कहते हैं। यह खमीरीकृत दूध शीघ्र पचने योग्य होता है। आपने देखा होगा जब कभी बैक्टीरिया पनप जाते हैं दूध में तो वह फट जाता है, खमीर आ जाता है। या फिर ये कह लीजिए जैसे हमारे घरों में दही को जमाते हैं तो उससे पहले दूध में हम जामुन लगाते हैं दूध को हल्का सा गर्म करके, उसके बाद क्या होता है दूध जो है फर्मेंटेड हो जाता है, खमीरीकृत हो जाता है। तो उसको और वो जो दूध है वो आपके एक पौष्टिक दही के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि क्या होती है शीघ्र पचने योग्य होते हैं, और उसका स्वाद भी खाने के साथ खाने पर दुगना हो जाता है। फिर आपका फोर्थ पॉइंट है गाढ़ा दूध या कंडेंस्ड मिल्क। दूध में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये आप सभी को पता है कि 84% जो दूध में जल की मात्रा होती है। यदि दूध में जल की मात्रा को सुखा दिया जाए तो इस प्रकार से गाढ़ा दूध तैयार हो जाए। जो कंडेंस्ड मिल्क आपने देखा होगा कि मार्केट में एक आजकल जो टीन जो के डिब्बे होते हैं उनमें पैक आते हैं वो बहुत ही गाढ़े रहते हैं, जैसे लाइक मावा होता है उस फॉर्म में रहते हैं। यह दूध अधिक समय तक संरक्षित रखे जा सकते हैं। कभी कभी इसमें शर्करा तथा विटामिन डी भी अलग से मिला दिए जाते हैं। फिर आपका फिफ्थ पॉइंट है आपका पाउडर मिल्क। इस दूध में क्या होता है, इस प्रकार के दूध में जल की मात्रा समस्त जितनी भी मात्रा होती है जल की उसको उड़ा दिया जाता है तथा दूध शेष रह जाता है। इस प्रकार का पाउडर युक्त दूध जो है वसा युक्त तथा वसा रहित दोनों प्रकार से हो सकता है। मीन्स इस प्रकार का जो दूध होता है उसको हम वसा रहित मीन्स जो फैट विथ फैट और विदाउट फैट दोनों तरीके का रहता है। यह पाउडर दूध को दो प्रकार से तैयार किया जाता है। प्रथम विधि के अनुसार क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, फर्स्ट विधि जो होती है आपकी एक धातु की रॉड होती है, एक कोई भी एल्यूमिनियम रॉड होती है या रोलर कह दीजिए उसे, उसे क्या कहते हैं खूब तेज गर्म करके उसको गर्म दूध में डुबो दिया जाता है। और जो दूध में उस समय क्या होता है, क्योंकि उसका ताप अधिक होता है रॉड का, तो जो दूध है उसके ऊपर चिपक जाता है और जो रोलर्स पे जो है जो ठोस पदार्थ है वो चिपक कर बाहर आ जाते हैं। इस ठोस भाग को रोलर से खुरच कर पीस लिया जाता है तथा इस प्रकार से पाउडर का दूध जो है तैयार किया जाता है। मीन्स जो हम रॉड डालते हैं अगर हम उसे बार बार दूध में डुबोएंगे गर्म गर्म रॉड को, तो क्या होगा,
कुछ दूध का जो भाग है वो रोलर्स पर चिपक जाएगा, जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो जो क्योंकि वो गर्म अवस्था में है तो वो क्या होगा, वो सूख जाएगी और उसके बाद जो है जो दूध उसके ऊपर चिपक गया उसको हम किसी भी चीज़ से खुरच कर निकाल लेंगे और फिर जो आपका जो खुरच कर जो भी पाउडर फॉर्म में दूध बाहर आया उसको हम पीस लेते हैं और इस प्रकार से क्या होता है पाउडर का दूध तैयार हो जाता है। दूसरी विधि है आपकी छिड़काव या स्प्रे विधि होती है। इस विधि के अंतर्गत दूध को गर्म वातावरण में स्प्रे द्वारा छिड़क दिया जाता है, कम दबाव या अधिक तापक्रम के कारण यह सूख जाता है तथा पाउडर दूध तैयार हो जाता है। दूसरी विधि है आपकी इसमें स्प्रे विधि। इसमें क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा कमरा होता है जिसका जो टेम्परेचर है बहुत ही गर्म रखा जाता है और किसी भी मशीन या स्प्रे द्वारा दूध को छिड़क देते हैं। छिड़कने के बाद क्या होता है, दूध जो है अलग अलग जगह पे जैसे छिड़क देते हैं, बूंद के फॉर्म में जो है छिड़क दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका दबाव ज़्यादा रहता है और लेकिन जो कम दबाव रहता है लेकिन क्या होता है कि जो तापक्रम हमारे रूम का वो बहुत ही ज़्यादा रहता है जिसके कारण क्या होता है वो दूध सूख जाता है और फिर हमें एक पाउडर के फॉर्म में मिल जाता है। फिर है आपका पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, मीन्स दूध का पाश्चराइजेशन या फिर इसे ये कह लीजिए जो दूध में जो भी कीटाणु या संक्रमण होता है उसको दूर किस तरीके से किया जाए। पशुओं का दूध कई कारणों से संदूषित हो जाता है। हो सकता है कि दूध देने वाला पशु अस्वस्थ हो अथवा दूध दुहने वाला व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम से दूध में जीवाणु प्रवेश किए जाए। मीन्स कभी कई कई बार ऐसा होता है कि पशु जो है हमारे वो बीमार हो जाते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू उनको दवाइयों के थ्रू उनका दूध निकाला जाता है तो वो दूध कैसा होता है, संदूषित होता है, में संक्रमण वाला होता है, वह दूध हमें नहीं लेना चाहिए। तो इस अवस्था में क्या है कि जो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क इस अवस्था में क्या करते हैं, जो इस विधि से जो संक्रमण है दूध में हुआ उसको हम दूर करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो दूध दुहने वाला व्यक्ति होते हैं, दूधिया होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लोग जो है सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं क्योंकि उनके कपड़े हाथ और जिस जगह पे वो निकालते हैं धूल मिट्टी वहाँ पर रहती है, जिस कारण से क्या होता है जो दूध है वो संक्रमण युक्त हो जाता है, उनके बर्तन भी गंदे रहते हैं बहुत ज़्यादा। पाश्चराइजेशन की इस विधि द्वारा दूध में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करके दूध को संदूषित होने से बचाया जाता है। पाश्चराइजेशन की प्रायः दो विधियाँ होती हैं। फर्स्ट है आपका इसमें होल्डर विधि एंड सेकंड है आपका अधिक ताप व कम समय विधि। होल्डर विधि में क्या होता है, आपका दूध को 36 to 66 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग आधा घंटे के लिए गर्म करते हैं, तत्पश्चात शीघ्रता से 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जाता है। मीन्स पहले हम दूध को कितने ताप कम के मीन्स कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, 63 to 66 और फिर हम आधा घंटे के लिए गर्म करते हैं, उसके ठीक तुरंत बाद क्या करते हैं उसका ताप कम कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर दिया जाता है। ये होगी आपकी होल्डर विधि एंड सेकंड है आपकी अधिक ताप में कम समय विधि। इस विधि में क्या होता है, इस ट्रिक में जो क्या होता है, अधिक तापक्रम पर लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक सिर्फ 15 सेकंड के लिए हम दूध को गर्म करते हैं और तुरंत ही दूसरे ही क्षण क्या करते हैं आप इसमें 11 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम कर लेते हैं। और ये हो गई आपकी सेकंड विधि। इन दोनों विधियों के द्वारा ही क्या करते हैं, जो दूध का पाश्चराइजेशन करते हैं। उपयुक्त दोनों विधियों का उद्देश्य एक ही है कि एक समय अधिक ताप तथा दूसरे ही क्षण कम ताप के प्रभाव से दूध में बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं तथा दूध जो है क्या होता है पूर्णतः बैक्टीरिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से मुक्त करते हैं दूध को। फिर आपका थर्ड है समांगीकरण होमोजेनाइजेशन। दूध में उपस्थित वसा दूध को सड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो दूध में वसा है आपको पता है सभी को, जिसे हम फैट बोलते हैं या जिससे मलाई आती है, दूध की क्रीम आती है, वो क्या करती है, जो दूध को सड़ाने का कार्य वही करती है। सबसे ज़्यादा दूध जो है अगर हम उसको गर्म नहीं करेंगे तो दूध हमारा जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा और उसमें अजीब भी तरह की एक स्मेल आने लग जाती है। ये किसके कारण होता है, ये फैट के कारण होता है। अतः दूध के वसा के कणों को अत्यंत ही छोटे छोटे कणों में विभक्त कर दिया जाता है। ये वसा कण संपूर्ण दूध में आकर मिल जाते हैं जिन्हें दूध से अलग करना संभव नहीं है तथा दूध को सड़ने से बचाते हैं। फिर है आपका समांगीकरण होमोजेनाइजेशन।
इसमें क्या है आपका, इस प्रक्रिया में क्या होता है, होमोजिनाइजेशन में मशीन से की जाती है ये, यह एक विशेष प्रकार की मशीन होती है। इसमें क्या होता है, जो फैट है वो अत्यंत जो छोटे छोटे पार्टीशन में डिवाइड कर देती है उस, अगर मशीन को उसमें चलाएंगे, एक रोलर टाइप रहता है, तो फैट जो है वो अलग अलग हो जाता है दूध में, एक छोटे 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 स्मॉल स्मॉल कण के रूप में आ जाता है, वे वसीय कण दूध में मिलाकर एक साथ हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो फैट के जो कण हैं दूध में मिलकर एक साथ हो जाते हैं। होमोजिनाइजर मशीन में एक छोटे से छिद्र में से दूध को अधिक दाब एवं गति से निकाल दिया जाता है, और फिर क्या करते हैं, दूध को जो है अधिक दाब प्रेशर से जो है खूब तेज से, एक रॉड टाइप होती है उसमें एक छोटा सा छेद कर लेते हैं, तो दूध को अधिक दाब से निकालते हैं गति से, जिसमें क्या होता है, जो उसके वसीयकरण है वो टूट जाते हैं। परंतु इस दूध की सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि ये स्वाद रहित रहता है, सफ़ेद रंग का होता है, तो इसलिए इसको जो हम पीते हैं वो पीने में इतना अच्छा नहीं लगता है, ना ही उसका टेस्ट रहता है। इस विधि से क्या कर सकते हैं, आइसक्रीम, कस्टर्ड, दही बनाया जाता है, इससे बना दही जिसे हम क्या कहते हैं, सेपरेटा का मिल्क कहते हैं, वो इसी विधि के द्वारा बनता है। इस विधि से आइसक्रीम, कस्टर्ड, दही आदि बनाया जाता है। इससे बना दही जो होता है बहुत ही सुपाच्य, डाइजेस्टिव होता है, हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, नरम पौष्टिक रहता है। परंतु इस दूध को एक सीमित समय तक ही परिरक्षित रखा जा सकता है, मीन्स हम दूध को जो है एक कम समय तक ही इसको हम रख सकते हैं, अन्यथा यह खराब होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इसमें, क्योंकि इसमें लाइपेज एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ती है तथा दूध खराब हो जाता है। और वो किस कारण का होता है, लाइपेज नामक एंजाइम होता है, उसका जो प्रभाव है इस दूध में अधिक बढ़ जाता है तथा दूध भी खराब हो जाता है। अगर आप कोई भी दिक्कत है इस वीडियो में, कुछ नहीं समझ में आया, तो आप मेरे से जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक्स, बाय बाय।